Hello friends, welcome to Bilbil channel. Friends, now it's time for slot 2. जैसा कि आप सबको पता है आईपीएस क्लर्क प्री का फर्स्ट डे एग्जाम का. सो आइए एग्जाम को एनालाइज करते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ. और गाइज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैंक प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए, बिकॉज हम लोग रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करेगा बूस्ट करने में. सो प्लीज गाइज सब्सक्राइब दिस चैनल. सो आइए स्टार्ट करते हैं. लेवल जो था एग्जाम का वो सेम था प्रीवियस स्लॉट की तरह, जैसा फर्स्ट स्लॉट था मॉर्निंग में. स्लॉट टू का भी लेवल सेम था जो इजी था. आइए अब ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं सेक्शन वाइज. इंग्लिश में अगर आपने 14 से लेकर 16 अटेम्प्ट करें तो ये अच्छा अटेम्प्ट है, और रीजनिंग में 17 से 20 अटेम्प्ट करें देन इट इज ऑल्सो गुड अटेम्प्ट. क्वांट में अराउंड आपने 15 से 18 के अराउंड क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करें देन इट इज अ गुड अटेम्प्ट. ये जो अटेम्प्ट है ये मॉर्निंग में पेपर एग्जैक्टली जो पैटर्न था वो सेम था और लेवल भी एग्जैक्टली सेम था, तो अटेम्प्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. ओवरऑल अटेम्प्ट अगर आपने 59 से 63 क्वेश्चन के अराउंड करें तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट है. क्वांट का लेवल इसमें इजी से मॉडरेट था, बाकी सेक्शन इजी थे, ओवरऑल जो पेपर था वो इजी था. नाउ देखते हैं अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं. सीरीज से 5 क्वेश्चन थे जो बहुत इजी थे, और 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से थे जिसमें ये इजी क्वेश्चन थे 15, अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों. डाटा इंटरप्रिटेशन एक ही आई थी एग्जाम में जिसमें 5 क्वेश्चन थे और टेब्यूलर चार्ट की फॉर्म में थी वो, और ये भी बहुत ईजी थी. 10 क्वेश्चन मिसलेनियस से थे जिसमें प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एवरेजेस और बोट एंड स्ट्रीम एजेस जैसे क्वेश्चन थे, और लेवल इसका मिसलेनियस का मॉडरेट था, तो इसलिए ओवरऑल लेवल क्वांट का इजी से मॉडरेट. नाउ लेट्स डिस्कस इंग्लिश. इंग्लिश वाज इजी जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक आया था और 10 क्वेश्चन थे उसमें. कॉम्प्रिहेंशन का जो टॉपिक था वो फ्रेंड्स के ऊपर था, ट्री और एनिमल, फॉरेस्ट स्टोरी थी, और लेवल जो था इसका इजी था. 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से आए थे जो एक किंग की स्टोरी पे बेस था, और इसका लेवल इजी से मॉडरेट था. 10 एरर्स थी इसमें जो इजी थी, और गाइज इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एंटोनियम्स और सिनोनिम्स भी आए थे, और वही फिलर्स नहीं थे, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं थे क्वेश्चन में, ना ही जंबल सेंटेंस था. नाउ लेट्स कम टू द रीजनिंग सेक्शन. रीजनिंग वॉज इजी, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम इनइक्वालिटीज व्हिच वाज वेरी डायरेक्ट एंड इजी, 15 क्वेश्चंस फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट, 3 अरेंजमेंट्स वर देयर इन व्हिच फर्स्ट वन वाज ऑफ सर्कुलर एंड सेकंड वाज ऑफ लीनियर अरेंजमेंट एंड थर्ड इज ऑफ पैरेलल. सर्कुलर अरेंजमेंट में अंदर की तरफ फेस करके बैठे थे 8 पीपल, और लीनियर में नॉर्थ साउथ था जिसमें एक लाइन में 8 पीपल बैठे हैं, और पैरेलल में आमने सामने नॉर्थ और साउथ की तरफ फेस करते हुए 4 और 4 एक लाइन में 4 एक लाइन में 4 पीपल बैठे हैं. तो इसका लेवल इजी से मॉडरेट था सेटिंग अरेंजमेंट का. मिसलेनियस में 5 क्वेश्चन थे जिसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन थे और एक ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, ओवरऑल लेवल इसका इजी था. 5 अल्फाबेट कोडिंग के क्वेश्चन थे जो इजी थे, और 5 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वो भी बहुत इजी थी. और इस एग्जाम में सिलॉजिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ओवरऑल रीजनिंग जो था वो इजी था. नाउ अब देखते हैं कि कट ऑफ कितनी अराउंड जाती है इसके. हियर यू कैन सी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ. क्वांट में कट ऑफ होगी अराउंड 10 से 13 मार्क्स के अराउंड, और रीजनिंग में 12 से 15. ये गाइस सेक्शनल कट ऑफ है, और रीजनिंग में 12 से 15 मार्क्स और इंग्लिश में 8 से 11 मार्क्स के अराउंड. ओवरऑल कट ऑफ देखी जाए तो जाएगी अराउंड 50 से 55 मार्क्स के बीच. So all the best for all the aspirants of next slot, yani ki third slot, and thank you for watching this video, and please subscribe the channel as we upload daily a video of bank preparation.